खबर महाराजगंज से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी अरुण झा द्वारा नामांकन वापसी की समय सीमा समाप्त होने के उपरांत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की गई है और उनको चुनाव चिन्ह का आवंटन भी किया गया है। इसके उपरांत तैयार मत पत्र के आधार पर देश के विभिन्न हिस्सों में सेना सहित अलग अलग सशस्त्र बलों में नौकरी कर रहे सर्विस मतदाताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में डिजिटल बैलेट के जरिए मतदान करने हेतु उन्हें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम प्रेषित किया गया है। ETPVS में सर्विस मतदाताओं को फॉर्म 13A, 13B और 13C इलेक्ट्रॉनिकल प्रेषित किया गया है। पोस्टल बैलेट प्राप्त करने के उपरांत सर्विस मतदाता द्वारा अपना मत डाक के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। मतगणना के दिन सुबह 8 बजे से तक प्राप्त पोस्टल बैलेट को स्वीकार करते हुए उनकी गणना की जाएगी। तो अवगत है कि आज 17 मई 2024 को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी की आखिरी तिथि थी। संवीक्षा जो 15 मई को हुई थी उसके उपरांत 8 वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स थे। किसी भी अभ्यर्थी ने अभी तक अपनी नाम वापसी नहीं की है, इसलिए जो फाइनली लिस्ट ऑफ वैलिडली कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उसमें 8 नाम हैं। उनके नाम हैं यथा श्री पंकज चौधरी जी जो कि भाजपा के कैंडिडेट हैं, श्री मोहम्मद मौसमी आलम जी जो कि बसपा के कैंडिडेट हैं, श्री वीरेन चौधरी जी जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, श्री ब्रजेश जी जो कि आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं, विनोद कुमार पटेल जी, छेदी मजदूर जी, रामप्रीत जी, सुनील जी और जो नवा कैंडिडेट होता है हमारे पूरे इलेक्शन प्रोसेस में वो नोटा होता है। तो इस तरीके से 9 नाम आपको बैलेट पेपर पे दिखाई देंगे। अब जो कार्रवाई हमारी पेंडिंग है वो है EVMs की कमीशनिंग। कल EVMs का सेकंड रैंडमाइजेशन होगा, जिसके उपरांत हमें ये पता चलेगा कि कौन सी मशीन किस बूथ पे जा रही है और उसके बाद संभवतः 21-22 तारीख से उसकी कमीशनिंग होगी, जिससे हम लोग जो बैलेट पेपर है वो बैलेट यूनिट पर लोड करेंगे और सभी कैंडिडेट्स और पोलिटिकल एजेंट्स के सामने कमीशनिंग की कार्रवाई होगी। साथ ही साथ जितने भी हमारे मतदान कार्मिक हैं उनका भी प्रशिक्षण 21 से 25 के दौरान होगा और इसी के बीच में पोस्टल बैलेट का भी लोग अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं पोस्टल बैलेट। मुझे पूरा आशा है और पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आगामी जो हमारा मतदान है 1 जून 2024 को बहुत ही शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा और जो वोटिंग परसेंटेज होगा जनपद महाराजगंज का उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होगा।